अरे भयंग तेरा भाई ना पूरे शहर में आग लगा रही है क्या? तू जाके देख मार्केट में। चर मत, चर मत कर तू। मांडव में आपका स्वागत है। मैसेज का यहाँ जो बीच बीच में चौकियाँ दिख रही है, तो इन चौकियों के है मतलब क्या रहता था कि राजाओं को अगर जहाज महल तक के मैसेज पहुँचाना रहता था तो यहाँ से मैसेज जाता था। रानी रूपमती यहाँ रहती नहीं थी, रानी रूपमती केवल यहाँ दर्शन करने आती थी नर्मदा का, क्योंकि रानी रूपमती का एक प्रण था कि वे जब तक नर्मदा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसलिए बाज बहादुर ने उसी समय तत्काल इस महल का निर्माण करवाया और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर की नर्मदा एक धागे के समान दिखाई देती है। क्या बात है, वो नज़ारा कहाँ आएगा? ऊपर चलो ना, चलना पड़ेगा, चलो। इसलिए इसको रानी रूपमती का मंडप भी कहा गया। ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मांडव का जो सफ़र रहा काफ़ी एंजॉयबल रहा, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी। अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और बने रहिए इंदौर मेरी जान के साथ। अरे शीशा लगाओ यार, तुम खोल रहा बाकी सामने बंद कर रहे, एसी कैसे चालू होगा?